प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आप ध्यान से देखिए कि हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये जो सम लिखा हुआ है 1³ + 2³ + 3³ up to n³ इज दिस मच, इज ट्रू और नॉट, ये सही है कि गलत है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल में इंडक्शन में चेक करेंगे। तो मान लेंगे कि लेट दिस बी नंबर वन, इसका प्रूफ या सॉल्यूशन वी शैल बी स्टार्टिंग नाउ। अब ध्यान से देखिए, इसमें देखेंगे हम कि ये जो लिखा हुआ है वन, इसको ट्रू मानना है, ये ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, n इज इक्वल टू वन, तो फॉर n इज इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब n की जगह वन रखेंगे तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म कंसीडर करना है, लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म है 1³ विच इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड में यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। राइट हैंड साइड में n की जगह 1 डालना है आपको, तो n की जगह आप जब 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 1+1 होल स्क्वायर। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपके पास 1² 1² मीन्स 1, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर 1 इज ट्रू। नाउ वी कैन से दैट 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 जो है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अगर आपको और आगे जांच करना हो, चेक करना हो, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक नहीं करते हैं, लेकिन इन केस इफ यू विश टू चेक इट फॉर n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 में आपको लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी आपकी 1³ + 2³, मीन्स यू विल हैव टू कंसीडर वन मोर टर्म, मीन्स यू विल हैव टू कंसीडर टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स। तो पहली दो टर्म लोगे, इन दोनों का सम आएगा 9। अब राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपको डायरेक्टली n की जगह 2 डाल देना है। तो जब आप n की जगह 2 डाल देंगे तो देखो 2/2 2+1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 गेट कैंसल्ड, 3² = 9, LHS इज इक्वल टू RHS। तो फिर हम बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर वी कैन से दैट 1 इज ट्रू, 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। अब ऐसा कब तक करते रहेंगे, 3, 4, 5 के, कब तक के लिए, लेकिन ये हमको देखना है, क्या देखना है कि इट इज फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ये जो है हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, फॉर ऑल, ये निशान, ये सिग्नेचर साइन फॉर ऑल वैल्यूज का है। इसका मतलब होता है वी बना के जो काट देते हैं उसको, उसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n belongs to n, इसका मतलब है belongs to, belongs to, belongs to का मतलब कि वो उसका एलिमेंट है, belongs to n मतलब n एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल आर इनफाइनाइट। तो हमने n इक्वल टू 2 तक के लिए चेक कर लिया, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू k तक के लिए चेक करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, कहाँ तक चेक करेंगे। अपन एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, लेट 1 बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 तक के लिए चेक कर लिया है, तो फिर 3, 4, 5 अप टू k, जो 1 है वो n की वैल्यू 3, 4, 5 अप टू k तक के लिए ट्रू है। अगर k तक के लिए ट्रू है तो ये होगा 1³ + 2³ + 3³ अप टू k³ अप टू k³ इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये k तक के लिए ट्रू है। इसको नंबर दे देंगे हम 2, n इज इक्वल टू k तक के लिए ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k तक के लिए ट्रू है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, अब n की जगह जब k प्लस 1 होगा तो क्या होगा, k प्लस 1 होगा तो होगा 1³
टू क्यूब, थ्री क्यूब अप टू के क्यूब तो आएगा ही आएगा, एक और वैल्यू आएगी के प्लस वन होल क्यूब, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा अपने को, एक स्टेप और बढ़ जाएगी अपनी, और वो स्टेप ऐसे बढ़ेगी या एन इज इक्वल टू के प्लस वन है, मतलब एक स्टेप आगे जाओ तो वन क्यूब के बाद कौन आता है, टू क्यूब, फिर थ्री क्यूब, तो के क्यूब के बाद कौन आएगा, के प्लस वन होल क्यूब। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है वन का, और यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में वन क्यूब से लेके के क्यूब तक की वैल्यू, वन क्यूब से लेके के क्यूब तक की वैल्यू हो जाएगी के बाय टू के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन होल क्यूब। ये जो वैल्यू यूज की है ये कहाँ से यूज की है, टू से, तो इसके नीचे लिख दें कि यूजिंग टू, ये इसके नीचे ही लिख दिया यूजिंग टू। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है के प्लस वन होल स्क्वायर, तो अंदर आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर बाय फोर के बाय टू होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन, फिर आप एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा के प्लस वन होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4, विच यू कैन राइट और विच वी कैन राइट, क्या लिख सकेंगे हम, k प्लस 1 होल स्क्वायर k प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 4, उसको लिख सकेंगे k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में n की जगह k प्लस वन डायरेक्ट डालना है, तो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज हियर, ये राइट हैंड साइड ऑफ वन, ये देख लो राइट हैंड साइड ऑफ वन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, n बाय टू एन प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ n की जगह क्या डालेंगे हम, राइट हैंड साइड में n की जगह हम डाल देंगे k प्लस वन, तो n की जगह डालेंगे k प्लस वन, तो ये हो जाएगा k प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन, k प्लस टू अपॉन टू होल स्क्वायर। और देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर वन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, अगर वन के एन के इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है तो वन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, वन एन इज इक्वल टू के लिए भी ट्रू है। देयरफॉर या हेंस लिख दो, हेंस k कौन है, k इटसेल्फ अ नेचुरल नंबर, k भी एक नेचुरल नंबर है, तो हेंस वन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, वन जो है वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, वन सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, वन इज टू फॉर ऑल एन टू कैपिटल एन। तो दिस वाज ऑल द क्वेश्चन, होपफुली समझ में तो आया ही होगा।